निर्माण क्षेत्र में सुख समृद्धि शांति की कामना को लेकर नवग्रह मंदिर से शुरू हुई 5 दिनी पंचकोसी यात्रा शुक्रवार को संपन्न हुई। करीब 5,000 से अधिक श्रद्धालु सुखद अनुभूति लेकर वापस नवग्रह मंदिर लौटे। यात्रा की शुरुआत 19 दिसंबर को कुंदा तट स्थित नवग्रह मंदिर से की गई थी। यात्रा लौटने पर श्रद्धालुओं ने नवग्रह भगवान के दर्शन किए व कई श्रद्धालुओं ने भगवान सत्यनारायण कथा भी कराई। यात्रियों के तिरुपति भक्त एवं रवि जोशी मित्र मंडल द्वारा भंडारा प्रसादी का आयोजन भी किया गया। भोजन प्रसादी ग्रहण कर यात्री अपने अपने गंतव्य को रवाना हुए। रवि जोशी ने बताया कि यात्रा प्रतिवर्ष पौष कृष्ण में निकाली जाती है। हजारों भक्त महिला पुरुष बच्चों यात्रा में शामिल हुए थे। वहीं करीब 75 किलोमीटर की यात्रा में 20 गाँवों की सीमाओं से होकर गुजरे। विभिन्न पड़ावों पर ठहरते हुए रोजाना 15 किलोमीटर का सफर तय किया। देश में कोरोना से निजात एवं खुशहाली की कामना की गई। वहीं नर्मदा हर हर बाबा ने बताया कि 5 क्रोशी यात्रा का समापन किया गया और देश मध्य प्रदेश और जिले में खुशहाली आए, साथ ही आने वाले कोरोना को लेकर भी कामना की गई ताकि कोरोना ना आ सके। समापन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? हमने 11 छोटे थे नवग्रह भगवान की पंचकोसी, आज पूर्ण होते हुए पूरा गाँव वासियों में सब शहरों में निकली करिए। आज सुख शांति के लिए जो कोरोना आने वाली है उससे सुख शांति मिलेगी और सबको भक्तों को अच्छा सुख शांति नवग्रह रखेंगे, इसलिए हमने निकाली है नवग्रह पंचकोसी एकादशी से आमोस तक की। आज 5 दिन पूरे हो गए, भंडारा पा के अपने अपने भक्तों लोग अपने अपने घर जाएंगे। कितने किलोमीटर पैदल चले? ये 75 किलोमीटर चले। क्या प्रार्थना करी आज भगवान से? ये भगवान से करी कि अपना देश और अपना खरगोन जिला सभी मध्य प्रदेश अच्छा रहे, सुख शांति रहे। नवग्रह भगवान अपने मध्य प्रदेश में पहले ही आए, प्रसिद्ध नवग्रह नगरी है। कोरोना को लेके क्या प्रार्थना? ये कोरोना अब आए नहीं, कोई किसी को नहीं आई बीमारी, शांति हो जाए, सब नवग्रह भगवान से शांति करने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? नर्मदिया बाबा मेरजा वाले संत समाज के अध्यक्ष। कोरोना ये कर रहा था भैया, में धार्मिक श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा, क्या कहना चाहिए? प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी पंचकोसी यात्रा का आज समापन हुआ। आज से 5 दिवस पूर्व ये यात्रा चालू होती है। खरगोन और निमाड़ अंचल की सबसे बड़ी पंचक्रोशी यात्रा है जो 70 से 75 किलोमीटर 5 दिन में चल के आज समाप्ति होती है। हजारों की तादाद में माता बहन बुजुर्ग किसान गरीब दलित सब लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। पंचक्रोशी यात्रा में हजारों आदमी का भंडारा होता है। आज उसी भंडारे के तारतम्य में समाप्ति पे भंडारे का आयोजन किया गया है जो अभी चल रहा है। और आज हमने निमाड़ की उन्नति, निमाड़ में प्रगति, निमाड़ में खूब अच्छी बारिश हो और कोरोना, ईश्वर से प्रार्थना करी कि कोरोना की महामारी देश के अंदर नहीं प्रवेश करे और कोरोना की महामारी नहीं आए, ऐसी प्रार्थना के साथ आज आरती और महाप्रसादी का आयोजन किया गया। खरगोन से यूडी न्यूज के लिए सलामन सारी की रिपोर्ट।